महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी की अध्यक्षता में शनिवार को पुरदिलपुर स्थित खन्ना लाज में एक बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस के नामांकन को ऐतिहासिक नामांकन बनाने के लिए अपने अपने विचार रखते हुए नामांकन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस पार्टी से सदर लोकसभा प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी का 29 अप्रैल को नामांकन है। नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरा गया। कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जनता पूरा मन बना चुकी है। इस बार गोरखपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालकर जिताने का मन बना लिया है। बैठक में पार्षद संजीव सिंह सोनू, अखिलेश शुक्ला, विष्णु त्रिपाठी, मनीष पांडे, प्रेमलता चतुर्वेदी, अभिजीत, सुमित पांडे, नासिर मुन्ना, मंजू तिवारी, बाल मुकुंद चतुर्वेदी, अनुराग पांडे, मुस्तफ़ा अंसारी, दिलीप निषाद सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी और सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, ₹150 मनरेगा, ये जो उनकी योजनाएं हैं न्याय का न्याय वाला, ये सब बातें आप जनता की जो मैं इंडस्ट्री अंश हो रहे हैं कल से बटेगा उसको आप घर घर और जन जन को बताएंगे तो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी समय रात बिरात किसी भी समय मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको आप चुनौती तरह इस चुनाव को आप स्वीकार करिए। इस तरह की बात अब नहीं चला, हर आदमी के अंदर आप दिमाग है, सोच समझ कर काम करेगा। यह बातें आप लोग जनता से बताइए। बलिदान हुई है, राजीव गांधी जी बलिदान हुई है, पंडित जवाहरलाल ने भरोसा है। आप लोग अगर दिन रात एक मन में कांग्रेस की बातों को उतारना है और हमारी बातों को पहुंचाना है तो कांग्रेस को विजय दिलाइए। धन्यवाद। हम चाहेंगे को हम मेन एजेंडे चाहेंगे, सबसे पहले हमारे बीच में श्री कृष्ण बिहारी दुबे जी वोट तो होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक भीड़ जिसका संदर्भ में अभी विस्तृत रूप किया। चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के मित्रों के लिए चुनौती भरा है। हम पिछले एक महीने से मंथन कर रहे थे, हमारे बीच से तमाम सारी बातें आई, हमारे पास भी प्रस्ताव आया, मजबूरी थी था स्वास्थ्य में अस्वस्थता में निकालने चुनाव भेजा हुआ। तो यह उत्सुकता, यह जोश, यह आपका आत्मविश्वास तो आज है। आज की ये बैठक महानगर कांग्रेस कमेटी की थी, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी के जो 29 तारीख को नामांकन होने जा रहा, उस नामांकन को मैं अधिक से अधिक एक ऐतिहासिक भीड़ लाने के लिए एक ऐतिहासिक जो है यात्रा के रूप में, रोड शो के रूप में, उसकी तैयारी के संदर्भ में आज यहाँ पर हम लोग बैठक किए हैं। और निश्चित रूप से इस बैठक पे लोगों के विचारों के अनुसार, लोगों की राय के अनुसार जो उन्होंने कहा है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं को 29 तारीख को जो कांग्रेस के प्रत्याशी का रोड शो गोरखपुर में होगा वो अब तक के सारे रिकॉर्ड को टूटेगा और उसी दिन बहुत हद तक ये पिक्चर, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। एक बार पुनः गोरखपुर में विकास की, अमन चैन की पार्टी जो प्रतीक है कांग्रेस और उसकी पार्टी की प्रत्याशी, वो विजय की ओर जा रहा है और विजयी होकर निश्चित रूप से देश के अंदर वो गोरखपुर के लोगों की आवाज़ को उठाएगा, आवाज़ को बनेगा और गोरखपुर एक बार पुनः जो गोरखपुर का भविष्य है सुनहरे पथ पर अग्रसर होगा। ये बैठक 29 तारीख को हमारा पर्चा दाखिला है और 29 तारीख को पर्चा दाखिला में हम अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन कितना मजबूत है और उसके कार्यकर्ता कितना उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर के, उस बारे में ये बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक यहाँ भी हुई है, सहजनवा में हुई है, पिपराइस में हुई है, कंपियरगंज में हुई है और कोराबार में हुई है। ये सारी बैठकें इसी तरह से हर जगह हुई हैं और इस बैठक में सब लोगों को यह कहा गया है कि एक आदमी अपने साथ जो हमारे कार्यकर्ता हो वो 25 आदमी से लेकर 50 आदमी तक आएगा। इस तरह से हमारी संख्या जिस दिन पर्चा दाखिला है कम से कम 15,000 से ऊपर होगी और संसाधन जो होंगे वो अनगिनत होंगे। तो हम बड़े मुस्तैदी से ये पर्चा दाखिला करना जा रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। लोगों में उत्साह है, लोग सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस इस बार जीतने जा रही है, सब लोग उस उत्साहित होकर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम लोगों ने इस मीटिंग को बुलाया था।